बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं मोहम्मद अहमद चोगर पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज का तालिबिल। हमारे स्कूल में नेशनल बुक फाउंडेशन की तरफ से एक किताब मेले का इनेकाद किया गया है। ये किताब मेला एक बहुत अच्छा इनेकाद है कि जो ताल्लुक़ था बच्चों के दरमियान और किताब के दरमियान जो बहुत ज़्यादा तवालत इख्तियार कर गया था, उस ताल्लुक़ को मजबूत बनाने के लिए ये एक बहुत अच्छा कदम है। वो शायद ने क्या खूब कहा है कि किताबें झांकती हैं बंद अलमारी के शीशों से, अरसे से अब मुलाकात नहीं होती। किताबों और बच्चों के दरमियान जो ताल्लुक था वो बहुत दूर हो बहुत गहरा हो गया था। अब इस ताल्लुक को कम करने के लिए बहुत अच्छा अमल है जिससे बच्चे किताबें पढ़ेंगे और अपने जो अजीम रहनुमा हैं उनकी ज़िंदगियों के बारे में जान सकेंगे। किताबों की अहमियत जो है वो बेशक बहुत ज़्यादा है। पाकिस्तान में एक सर्वे के मुताबिक जो नौजवान नस्ल है उसमें से 19% नौजवान जो हैं वो सिर्फ किताबों की तरफ माइल हैं, बल्कि इसके बरअक्स 60% से ज़ायद नौजवान जो हैं वो इंटरनेट और दीगर फजूल हरकत की तरफ माइल हैं, वो किताबों की अहमियत नहीं देते। लिहाजा ये जो किताब मेले का इनेकाद है ये बहुत अच्छा अमल है। अस्सलामु अलैकुम, आई एम अ स्टूडेंट सेकेंड ईयर शौकत पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज तिलवनी। माई नेम इज़ माज अहमद। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल लाइक टू थैंक माई द अथॉरिटीज़, फॉर एग्जाम्पल शौकत सर शौकत महमूद एंड द नेशनल बुक पब्लिकेशन फॉर दिस अरेंजमेंट ऑफ दिस वंडरफुल इवेंट विच वुड नॉट जस्ट हेल्प अस टू गेट आउट ऑफ दिस रट एंड वुड ऑल्सो प्ले अ की रोल to develop the skills based education in students. It is a golden opportunity for those who cannot afford such kind of heavy books, because you can get those books on a huge amount of discount. So we have this is a basic necessity in Pakistan. By reading books we can get those skills to just conquer the fields that we have choose for ourselves, and it's a basic point towards the progress of Pakistan and towards the conquer of a new worlds that are undiscovered. We have to go we have to arrange such kinds of events which are which will bring a domestic change in the future of Pakistan. I first again thank our principal Mr. Shaukat Mahmood and the authorities, for example National Book Foundation, for this wonderful event. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आई एम साकिब हनीफ फ्रॉम फर्स्ट ईयर शौकत पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज पिंड मुनीम। जैसा कि आप देख सकते हैं कि आज हमारे स्कूल में बुक फेयर का इनेकाद किया गया है। बहुत सी अच्छी अच्छी मोटिवेशनल बुक्स और अकाबरीन की बुक्स हैं जिनमें मुख्तलिफ़ किस्से हैं, कहानियाँ इस्लामी किस्से मौजूद हैं। और मैं अपनी तरफ से, अपनी पूरी फर्स्ट ईयर की क्लास की तरफ से शौकत पब्लिक स्कूल का और नेशनल बुक फाउंडेशन का दिल की यथा गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने हमारे स्कूल में इस बुक फेयर का इनेकाद किया और इतनी अच्छी मोटिवेशनल किताबें हमारे लिए उन्होंने लाई हैं। उम्मीद है कि मैं हमें और हमारे जितने भी बच्चों ने किताबें ख़रीदी हैं इनको बहुत फ़ायदा होगा। तो बस सलाम, शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं नेशनल बुक फाउंडेशन फेडरल मिनिस्ट्री ऑफ प्रोफेशनल एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इस्लामाबाद के ब्रांच ऑफिस नेशनल बुक फाउंडेशन एबटाबाद में अपनी खिदमात सर अंजाम दे रहा हूँ। कल से हम शौकत पब्लिक स्कूल में दो रोज़ा बुक फेयर 22-23 तारीख को, आज हमारा दूसरा दिन है, तो हमने ये बुक फेयर का अरेंज किया है। ये इनके पास फर्स्ट से ले कर FSC तक क्लासें हैं, तो हमने हर मौजू पे बुक्स लाई हैं कि बच्चे कम अज़ कम जो बच्चे बुक्स से दूर हो रहे हैं वो बुक्स के साथ उनका रिश्ता मजबूत हो और एक रीडिंग हैबिट जो है वो बच्चों में इम्प्रूव करें। तो उस सिलसिले में हम बहुत पुर उम्मीद हैं कि ये हमारा थोड़ा सिटी में नहीं है, देही इलाका है, लेकिन इसमें यह है कि बहुत ज़्यादा बच्चों ने, उनके पेरेंट्स ने, खास करके स्पेशली जो यहाँ के प्रिंसिपल हैं, MD हैं शौकत साहब,
उनकी काविशों से बहुत ज़्यादा बच्चों ने और बड़ों ने इस्तफादा हासिल की है। तो मैं यहाँ शौकत साहब जो चीफ एग्जीक्यूटिव हैं शौकत पब्लिक स्कूल के, उनका शुक्रगुजार हूँ। बाकी आप आए हैं वहाँ टीवी से, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। ये सब लोगों की कावज से, ये एक बंदे का काम नहीं है, पूरी एक टीम होती है जो ये काम करती है। तो और मैं समझता हूँ मेरे साथ जितने भी बाकी भी जितने आप लोग हैं, शौकत साहब हैं, सब का इसमें कंट्रीब्यूशन है। और इंशाल्लाह हम आइंदा भी दही इलाके में कोशिश किया करेंगे ऐसे प्रोग्राम और इवेंट्स करें। बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं नेशनल बुक फाउंडेशन का बहुत मशहूर हूँ कि उन्होंने एक खूबसूरत मेला सजा दिया है किताबों का। बच्चों की दिलचस्पी को देखते हुए बहुत खुशी हो रही है। और शौकत साहब की मेहनत, कावश, हिम्मत आज हमें स्टेज पे ले आई है कि हम भी साथ जाएं और हमने अपने बच्चों के लिए उनकी दिलचस्पी के मुताबिक कुछ किताबें ख़रीद ली हैं और उम्मीद है इंशाल्लाह वो इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाएंगे। बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शौकत पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज में आज ये बुक फेयर मुनक्कद किया गया है। शौकत साहब का ये अनोखा आइडिया है। हमारे पूरे तहसील खानपुर में बुक फेयर मुझे नहीं याद कोई इस इलाके में मुनक्कद किया गया हो। बच्चों की दिलचस्पी, शौक को देखकर ये कुतुब बीनी की जो दम तोड़ती रिवायत है, इसके अहया की कोशिश की गई है। शौकत साहब, इनकी पूरी टीम, नेशनल बुक फाउंडेशन खासतौर पर बड़ी मुबारकबाद के मुस्ताहिक हैं। ये हमारे तमाम स्कूलों में, गवर्नमेंट प्राइवेट के स्कूलों में ये बुक फेयर मुनक्कद होते रहे। बच्चों का शौक देखकर पता चलता है कि यहाँ पे वाकई बच्चे पढ़ना चाहते हैं और पूरी दुनिया के साथ साथ कम्पीट करना चाहते हैं। यही बच्चे यहाँ पर पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह इनके लिए इजाफा होगा। और हम उम्मीद करते हैं कि नेशनल बुक फाउंडेशन और दूसरे कुतुबखाने भी अपनी ये जो मुहिम चलाते हैं कि तो बुक फेयर्स का, ये इंशाल्लाह चलती रहेगी। बहुत खूब शौक सब, बहुत मुबारकबाद है। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारे यहाँ किताब मेले का दूसरा दिन था, तो किताब मेला मुनक्कद करने का जो मकसद था वो ये है कि बच्चों के अंदर जो किताब बीनी का सेंस है उसको डेवलप किया जाए। आज के इस दौर में बच्चा और बड़े भी अगर देखा जाए तो किताब से बहुत दूर जा चुके हैं। तो शौकत पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज की इंतज़ामिया ने एक काविश की कि फ़र्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ डिस्ट्रिक्ट हरीपुर एक बहुत बड़ा किताब मेला मुनक्कद किया, जिसमें 30,000 से ज़ायद कुतुब बच्चों के लिए रखी गई थी और हज़ारों बच्चों ने किताबें अपनी मर्ज़ी से सिलेक्ट की, चूज़ की और उनको ख़रीदा, जिस पे नेशनल बुक फाउंडेशन के असिस्टेंट डायरेक्टर रियासत जमान साहब का भी मैं मशकूर हूँ कि इन्होंने अपने इलाके में एक काविश में किरदार अदा किया और बच्चों को मायारी और सस्ती किताबें फराहम की। इसके अलावा चौहान बुक डिपो हरिपुर की जो टीम थी, उन्होंने बच्चों को बड़ी मायारी किताबें और हाफ रेट पे और 75% डिस्काउंट पे प्रोवाइड की, जिससे बच्चों को कम से कम एक शऊर बेदार हुआ कि किताब की अहमियत क्या है, किताब को किस तरीके से पढ़ना है। बच्चों का जोश व खरोश देखने के काबिल था। 30,000 किताबें लाने के बावजूद आखिर में हमारे पास कुछ क्लासेस के लिए स्टॉक की पोजीशन ये थी कि वो ख़त्म हो चुका था। बच्चों के साथ हमें माजरत करनी पड़ी और दोबारा इंशाल्लाह ये इवेंट 10 से 15 दिन के बाद दोबारा उनके लिए अरेंज किया जाएगा। और अब सिलेक्टेड बुक्स बच्चों की जो करेक्टर बिल्डिंग से रिलेट करती हैं, हमारे मशायरे इस्लाम के हवाले से जो कुतुब हैं, सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से कुतुब हैं, पाकिस्तान आइडियालॉजी के हवाले से हैं, कायदे आज़म की
शख्सियत के ऊपर हैं, अलामा इकबाल की पोइट्री है, मुख्तलिफ मोटिवेशनल स्पीकर्स की बुक्स हैं, हत्ता कि हर तरह की बुक्स जो हैं, मुख्तलिफ नावल्स, बड़े अच्छी क्वालिटी के नावल्स बच्चों को ख़रीदने को मिले। तो ये सारी चीज़ें, बड़ा एक बैलेंस किताब मेला था जिसको बच्चों ने भी बहुत ज़्यादा इंजॉय किया, टीचर्स ने भी इंजॉय किया, और उम्मीद ये की जाती है कि ये जो एक कहावत बनी हुई है कि ये सदी किताबों की आखिरी सदी है, हम इंशाल्लाह इस कहावत को ख़त्म करने में अपना किरदार अदा करेंगे। और अगर इसी तरीके से किताब बीनी के ऊपर मुख्तलिफ लोगों ने तवज्जो दी तो ये किताब बीनी कभी भी ख़त्म नहीं होगी, और ये बच्चे भी किताब को पढ़ने में, किताब से सीखने में हमेशा दिलचस्पी लेंगे, और ये अमल जारी रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया।